मैं नॉर्मली मतलब एक घंटा रोज़ाना जिम में देता हूँ अपने रूटीन में से, और वो हर काम रुक सकता है लेकिन ये काम नहीं रुक सकता. सो आई ईट हेल्दी, आई वर्कआउट एवरी डे, ये मेरा फिटनेस रूटीन है. जब से सलमान भाई ने कपड़े ऑन स्क्रीन उतारना स्टार्ट किए हैं, हमने जिम के दरवाजे के अंदर एंट्री ली है. सो ये बेसिकली हिंदुस्तान में मुझे लगता है जो भी जिम खुलाए हैं और जो भी लोग वर्कआउट फ्रीक हैं वो सिर्फ सलमान खान की वजह से. मुझे लगता है जिम के साथ साथ जो सबसे ज़रूरी फिटनेस के अंदर अहम पार्ट है वो है आपका डाइट. सो लोगों को ये लगता है कि जिम में जाएंगे तो हमारी बॉडी मेंटेन रहेगी और हम लोग फिट रहेंगे, लेकिन एक्चुअली मेरे हिसाब से जो बॉडी बनती है, जो आप फिट रह सकते हैं, वो एक किचन के अंदर रह सकते हैं. क्योंकि जितना आप क्लीन खाएंगे, जितना हेल्दी खाएंगे, उतना ज़्यादा आपको यहाँ पर उसका फ़ायदा मिलेगा. अदरवाइज़ यहाँ पे आप 4 घंटे वर्कआउट कर लीजिए और आप फास्ट फूड खा लीजिए, कुछ भी खा लीजिए, कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा. और आप हेल्दी खाएंगे और यहाँ पे अगर आधा घंटा भी देंगे सो आपकी बॉडी में ड्रास्टिक चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे. सो दिस इज़ माय रूटीन ऑफ फिटनेस. देखिए, समय हर इंसान के पास होता है, क्योंकि हमारे बॉम्बे के अंदर स्पेशली जिम की ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कि 24 आवर्स ओपन है. सो किसी इंसान के पास ये बहाना नहीं हो सकता कि उसके पास टाइम नहीं है. एटलीस्ट इंसान एक घंटा जिम के लिए निकाल सकता है, वो कैसे भी कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है, कार्डियो कर सकता है बाहर. इनफैक्ट बॉम्बे में अगर आप देखेंगे तो रात भर आपको लोग भागते हुए दिखेंगे, कोई जॉगिंग कर रहा है, कोई क्या कर रहा है. और आजकल तो हमारी गवर्नमेंट ने जो पार्क्स हैं, फिटनेस पार्क्स हैं, उनके बाहर छोटे छोटे जिम बनाए हुए हैं. सो मतलब ये सब एक इंसान की मेंटल प्रॉब्लम है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जिम नहीं जा सकता.